आजकल पहाड़ों का जो मौसम है वो रात को बारिश होती है और दिन में हल्की फुल्की धूप लग जाती है और शाम तक फिर से मौसम बदल जाता है और फिर से बारिश आना शुरू हो जाता है। अभी तो मौसम काफ़ी सुहाना है, तो कर लेते हैं एक नए दिन की शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं पम्मी अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरु पहाड़। तो पहाड़ के इन हसीन वादियों के साथ कर लेते हैं एक नए दिन की शुरुआत। तब तक के लिए आप बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल मेरु पहाड़ के साथ। अभी आप मेरे पीछे जो ये गौशाला देख रहे हैं वो काफ़ी जर्जर हालत में थी और आज सुबह ये टूट के नीचे गिर गई है। हालांकि इसमें कोई पशु नहीं रहता है क्योंकि काफ़ी टाइम से ये जर्जर हो चुकी थी और आज ये नीचे गिर चुकी है। तो आजकल पहाड़ों में काफ़ी बारिश होती है क्योंकि बरसात का मौसम है, तो जितने भी पुराने मकान हैं या गौशाला हैं वो जर्जर हो चुकी रहती हैं, तो उनको जैसे ही पानी ज़्यादा मिल जाता है, बरसात ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए वो टूट जाती हैं। तो वैसे ही ये वाली गौशाला है वो आज सुबह ऐसे ही टूट गई है क्योंकि काफ़ी रात को बारिश हुई थी जिससे वो नीचे गिर चुकी है। हालांकि इसमें कोई पशु नहीं रहते हैं। तो अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये है हमारे गांव की बीच वाली खोली जहाँ पर उनियाल परिवार रहते हैं, लेकिन अभी मात्र यहाँ पर 8-10 परिवार ही रहते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग पहाड़ों में पलायन हो चुके हैं और ज़्यादातर यहाँ के लोग ज़्यादातर अब बाहर रहना पसंद कर लिए हैं क्योंकि गाँव में रोड की कमी होने के कारण ज़्यादातर गाँव का पलायन हो चुका है। कभी यहाँ पर काफ़ी रौनक हुआ करती थी, जब हम छोटे छोटे थे तो इस चौक में बैठते थे, खेलते थे, बहुत सारे गेम यहाँ पर खेलते थे क्योंकि गांव का सबसे चौड़ा वाला चौक यही था जहाँ पर सारे बच्चे इकट्ठा होके गेम खेलते थे। काफ़ी सारी यादें हैं इन घरों से और आजकल यहाँ पर बिल्कुल सुनसान दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पर अपना तो ज़्यादातर बच्चे दिखाई देते हैं और न ही कोई खेलने वाले, तो बिल्कुल वीरान सा पड़ा हुआ है। अभी मैं जहाँ जा रहा हूँ वो है जहाँ सैमाल परिवार लोग रहते हैं जिसका नाम पदन खोली है, और उस वाली खोली में आज हम जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं हम उस वाली खोली में नहीं गए थे, तो आज वहाँ जाने का मन कर रहा है, तो इसलिए मैं आज उस वाली खोली में जा रहा हूँ और आपको भी बताता हूँ वो वाली खोली कैसी है हमारे गाँव की। गांव के बीचों बीच जाने का रास्ता है जहां से गांव की गौशालाएं लगती हैं और यहीं पास में ही दूसरी वाली खोली है। अली खोली का ये पहला मकान है। अब यहां से सहमाल परिवार लोग जहां पे रहते हैं ये वाली खोली स्टार्ट हो जाती है। अभी आप देख सकते हैं कि इस वाली खोली में काफ़ी सारे मकान हैं, लेकिन मौजूदा समय में यहाँ पर लगभग 2 और 3 परिवार ही रहते हैं, बाकी सारे लोग इधर उधर डाइवर्ट हो गए हैं, कुछ लोग बाहर चले गए हैं और कुछ इधर उधर डाइवर्ट हो चुके हैं। तो फिलहाल अभी यहाँ पर 2 या 3 परिवार ही रहते हैं, लेकिन एक समय ऐसा था कि जब यहाँ पर काफ़ी सारे परिवार रहते थे, गाँव की एक अलग सी रौनक हुआ करती थी।
अभी आप मेरे पीछे जो ये मकान देख रहे हैं, ये गांव का सबसे पुराना मकान था, जो कि एक खोली वाला मकान था, कि जो अपने आप में एक अलग ही कलाकृति से बना हुआ मकान था। लेकिन कुछ दिन पहले ये मकान भी टूट चुका है, क्योंकि अब इस पे यहाँ कोई नहीं रहता है, यहाँ पर सुनसान पड़ा रहता है और काफ़ी टाइम से ये बहुत पुराना और जीर्ण शीर्ण हो गया था। तो आजकल बरसात काफ़ी तेज हो जाती है, जिससे पानी के दबाव से और काफ़ी भारी बारिश होने से ये वाला मकान भी टूट गया है। एक ज़माना ऐसा था, एक समय ऐसा था, जब ये मकान गांव की रौनक हुआ करते थे, गांव की शोभा होते थे। तो आगे से मैं आपको दिखा देता हूं कि यह मकान किस प्रकार का बना हुआ था और आज किस हालत में है। आगे से मकान काफी सुंदर दिखाई दे रहा है और ऊपर से यह जीर्ण शीर्ण हो गया था, जिससे यह मकान टूट चुका है। और आज भी आगे से यह मकान बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है। आगे से खोली बनी हुई है, इधर से दरवाजे लगे हुए हैं और आगे से बिल्कुल सही लगता है। लेकिन काफी पुराना होने के कारण अब यह अपनी जीर्ण शीर्ण हालत में हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जो परिवार रहते थे वो बाहर डाइवर्ट हो गए हैं। और ज्यादातर गांव में जो डाइवर्ट होने का कारण है, वो मेरे गांव में रोड न होने का कारण है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग डाइवर्ट हो गए हैं। एक समय था जो कि ये घर एक गांव की रौनक हुआ करते थे, गांव की सुंदरता हुआ करते थे। अभी भी आप देख सकते हैं कि गांव में जो ये खोली वाला मकान था, इसका जो प्रमुख प्रवेश द्वार होता था वो इस प्रकार से हुआ करता था, जिसे हम खोली कहते थे। अभी आपको बता देता हूं कि खोली वाले मकान किस प्रकार से बनाए जाते थे। खोली यानी कि एक बड़ा सा दरवाजा होता था, जो कि घर का एक मुख्य द्वार होता था, जिस पर भगवान गणपति की फोटो बनी होती थी ऊपर से, और पूरा स्ट्रक्चर इस प्रकार से बना होता था। और इस पे आप देख सकते हैं कि ये प्रमुख द्वार होता था और साइड से 1, 2, 3 और 4 दरवाजे और लगे रहते थे। लेकिन जो इसका मुख्य दरवाजा होता था, ये खोली वाला दरवाजा होता। जो ये वाला घर है, खोली वाला घर है, तो इस वाले घर से काफी यादें हमारी जुड़ी हुई हैं। जब हम छोटे थे तो यहाँ पर खेलने के लिए आते थे, ताऊ जी यहाँ पे रहते थे तो वो हमारे लिए खाने के लिए देते थे। तो बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, लेकिन आज यहाँ पर वीरान पड़ा हुआ है और इसकी ये हालत देख के मन बड़ा उदास होता है। अब ये ऊपर से भी टूट चुका है। एकमात्र ही हमारे गाँव का एक ऐसा घर था जो कि खोली वाला घर था, पुराने जमाने का घर था, और कुछ समय बाद हमें इस प्रकार के घर देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन जब भी हम इन घरों को देखते हैं तो अपनी पुरानी यादें हमें याद आ जाती। इस वाले घर में आते हैं जब भी, इस साइड गांव के इधर इस वाली खोली में आते हैं, तो जब भी इन घरों को देखते हैं तो अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं कि कैसा हमारा बचपन था। इन घरों में काफ़ी खेला करते थे, लेकिन आज यह अपनी जर्जर हालत में हो गया है और धीरे धीरे टूटने लग गया है। अभी मैंने आपको बताया कि इस वाली नीचे वाली खोली में 3-4 परिवार ही अभी यहाँ रहते हैं, बाकी घर खाली पड़ गए हैं, लोग बाहर डाइवर्ट हो गए हैं। तो ये है कद्दू की बेल, क्योंकि आजकल गांव में ज़्यादातर बेल वाली सब्जियां होना शुरू हो गया है। तो ये है कद्दू की बेल, काफ़ी बड़ी बेल हो गई है और कुछ समय बाद इस पे कद्दू लगना शुरू हो जाएगा।
तो आज का ब्लेज टूर वाला ब्लॉग आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। जो मेरे चैनल पे नए हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।